उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी आलाकमान ने इस बार दो सांसदों का टिकट काट दिया है, जबकि तीन पर फिर से एक बार भरोसा जताया है। पौड़ी गढ़वाल सीट से भुवन चंद्र खंडूरी और नैनीताल से भगत सिंह कोश्यारी का टिकट काटा गया है। खंडूरी की जगह उनके करीबी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत को टिकट दिया गया है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी की जगह इस बार नैनीताल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को मौका दिया गया है। तो ये उत्तराखंड के बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की बात है, जहां पर भुवन चंद्र खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी दो बीजेपी के सीनियर लीडर, जिनको उनकी सीट से अब हम कहें कि एक तरह से नए चेहरों को उतारा गया है उनकी सीट पर। हरिद्वार से लेकिन रमेश पोखरियाल द्वारा उतारे गए हैं। नैनीताल से जो कि भगत सिंह कोश्यारी की सीट है, वहां से अजय भट्ट को इस बार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया। अल्मोड़ा से अजय टमटा को एक बार फिर से रिपीट किया गया, एक बार फिर से उन पर दांव चला है बीजेपी ने। तो कुछ पुराने तो कुछ नए, इस तरह का फॉर्मूला उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर अपनाया है। तो कुछ बड़ी और प्रमुख सीटें जहां पर बीजेपी ने दोबारा से रिपीट किया है जो पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे या जो कहें सिटिंग एमपीज जो हैं, उन पर ही एक बार फिर से दांव चला है। टीरी गढ़वाल से माया राज लक्ष्मी को दिया गया, तो जो भुवन चंद्र खंडूरी की सीट है पौड़ी गढ़वाल, वहां से उनके करीबी तीरथ सिंह रावत को टिकट दिया गया है।